वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कह सकते हैं कि 100% आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स और फाइनेंस से एनुटी का टॉपिक आएगा ही आएगा, और एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एनुटी से आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनुटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके मीनिंग क्या होता है एनुटी का। बच्चे, एनुटी बेसिकली क्या होता है, मैं अभी स्टार्टिंग में ही एक छोटे सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे कि आप हर चीज़ को फिर आप कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आप बैंक में एक आरडी भी करते हैं, एक आप जो है रिक्रूट डिपॉजिट भी करते हैं बैंक में। आरडी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आरडी जो है हर मंथ के हिसाब से करते हैं, तो हर महीने में एक तारीख को वो पैसा आप बैंक में जाकर जमा करवाते हैं। एक अमाउंट है आपका 5,000 रुपये, नेक्स्ट मंथ में फिर आप गए 5,000 जमा करवाए, नेक्स्ट मंथ में फिर 5,000 जमा करवाए, नेक्स्ट मंथ में फिर आपने 5,000 जमा करवाया। तो ऐसा आपको एक साल के एंड में कितना आपको वो जो है कुल मिलाकर के वो 5,000 रुपये आपका हो जाएगा। देखा जाए तो 5,000 रुपये आपने एक साल मतलब 12 महीने जमा करवाया तो 60,000 रुपये आपके हुए, पर रिटर्न 60,000 नहीं मिलेगा ना आपको, 60,000 रुपये पे ब्याज भी तो आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चे? और एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक जो पहले पढ़ा था वो क्या था, वो तो था कि 60,000 रुपये आपने लमसम एक ही बार में जमा करवा दिया, उस पर आपको मिलना है 10%, तो एक साल के बाद आपको 60,000 का 10% 6,066,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 10% मिलना है तो 60,000 का 10% आपका 6,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले महीने 5,000 रुपये जमा करवाया, तो इस 5,000 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट मंथ। तो आपने पूरा 12 महीने के लिए वो पैसा नहीं रहा ना, तो पूरा 12 महीने का ब्याज क्यों देगा उसे? नेक्स्ट मंथ आपका पूरा 12 महीने पैसा थोड़ी रहा है, तो पूरा 12 महीने का ब्याज क्यों देगा उस पर 10% आपको? तो मेरा कहने का मतलब है कि एनुटी क्या होता है, एक इक्वल टाइम इंटरवल पे, चाहे वो मंथली हो सकता है, वो 3-3 महीने में हो सकता है, वो 1-1 साल में हो सकता है, तो एक रेगुलर टाइम पीरियड पे, एक इक्वल इंटरवल पे आप एक पैसा डिपॉजिट करते चले जाते हैं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा आपका एज अ अमाउंट कितना बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनुटी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुटी के अंदर? तो एनुटी में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुटी, मैं भी एग्जांपल से करवाऊंगा, फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनुटी, तो अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड, एक फिक्स अमाउंट रहता है, वो वेरी नहीं करता, लाइक इस महीने आपने 5,000 जमा करवाया, अगले महीने 7,000 करवाया, अगले महीने 8,000 करवाया, नहीं ऐसा नहीं है। आपका एक फिक्स अमाउंट है जो कि हर बार जमा होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे जो भी होगा वो इक्वली होगा। क्लियर है बच्चे? अ सर्टेन पीरियड, एक पीरियड पे, इसे क्या बोलते हैं, एनुटी बोलते हैं। और अच्छे समझने के लिए कुछ बातें समझ लो आप। एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट है, क्लियर है बच्चे, जो क्या है, जो कि इंस्टॉलमेंट है, मैं आपका एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, लाइक 1,000 रुपीज आप जमा करते हैं हर बार एट द एंड ऑफ द ईयर। कब जमा करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? आपने ये कब से लिया आरडी? लाइक आप जो है 2024 में ये स्टार्ट करवा रहे हैं आप, ठीक है? तो 2024 का जो एंड होगा 31 दिसंबर, वहां जाके जमा करवाएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। टाइम 3 ईयर के लिए कर रहे हो आप, और एवरी ईयर जमा करवाते हो, ये मेंशन होगा कि कब जमा करवाते हो आप, एवरी ईयर जमा करवाते हो 3 साल के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कितना है आपका, 10% है। सवाल यह है कि आपके पास में ये आपका सम ऑफ अमाउंट कितना बन जाएगा 3 साल के बाद, ये सम ऑफ अमाउंट कितना बन जाएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक ही बार पैसा जमा करवाते हो और इतने साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, तो उसके हिसाब से तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप निकालोगे तो आपके पास में 1,331 रुपये हो जाएगा 3 साल का। बट यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनुटी। अब एनुटी में देखें आप क्या होगा, लाइक मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, 2024 के एंड की बात कर रहा हूँ। तो इस ईयर के एंड में आपने कितना जमा करवाया,
1000 रुपीस, क्लियर है? एक आपने जमा करवाया सेकंड ईयर के एंड में, ठीक है बच्चे? और सेकंड ईयर के एंड में जब भी आपने जमा करवाया 1000, और एक जमा करवाया आपने थर्ड ईयर के एंड में 1000, क्लियर है? आपने जमा करवाया, मैं बैंक को, मैं आपको ब्याज कैसे दूंगा जरा सुन लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपने इस ईयर के एंड में जमा करवाया 2024 के एंड में, तो 2024 का ब्याज किस बात का? ये 1000 रुपये जो आपने जमा करवाया, पूरा 25 मेरे पास में रहेगा, पूरा 26 मेरे पास में रहेगा, 2 साल रहेगा, क्लियर है? एक साल ये और एक साल ये जो पैसा है, ये वाला पैसा, इस पैसे को मैं, ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट वाला, ये पैसा, ये पूरा का पूरा कितने साल तक बैंक ने अपने पास में रखा है? आप 2024 के एंड में आ रहे हो तो 2400 रखा नहीं, 3 साल के लिए है पूरा, तीन मैं दूंगा आर, ये भी आर, इसको तो मैं स्मॉल आर से, ठीक है बच्चे? तो 3 बारी देना है मेरे को, तो एक एंड हो गया, तो मैं एक 2025 के एंड में और 2026 के एंड में, तो कहानी खत्म ही हो जानी है। तो ये पैसा मेरे पास 2 साल रहेगा, कब कितना रहेगा? ये मेरे बैंक के पास में पैसा 2 ईयर तक रहेगा, तो मैं इस पे तो 2 साल का ब्याज दूंगा, पहले मेरी बात समझ लो। नेक्स्ट, ये पैसा सेकंड ईयर के एंड में दे रहे हो, 25 के एंड में आएगा, तो 26 में तो कहानी खत्म जानी है, 2024 की बात चल रही है ना, आप 3 इंस्टॉलमेंट ही तो दे रहे हो, 2024 के एंड में, 2025 के एंड में और 2026 के एंड में, और आपका जैसे ही इंस्टॉलमेंट देते हो तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट देना है, तो 2025 के एंड में दे रहे हो, 25 साल ब्याज नहीं मिलेगा, पूरा 1 साल तक पैसा रहेगा 26 तक, तो इस पे कितने साल का ब्याज बनता है? इस पे 1 ईयर का, और ये तो 26 के एंड में दिया ही है बैंक में, आप रखा ये पैसा एंड में, इस पे कोई ब्याज बनता है? इस पे ब्याज बनता है आपका 0 ईयर का, क्लियर है? तो कुल मिलाकर मुझे कितने पैसे आपके लौटाने हैं? तो सबसे पहले 1000 रुपये पर मुझे 2 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इस पे तो मुझे 2 साल का ब्याज देना है, प्लस नेक्स्ट 1000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट आई है उस पे मुझे 1 + 10/100, इस पे तो 1 साल का देना है, प्लस अगले पे तो कोई मुझे ब्याज ही नहीं देना, बस आपका पैसा ये मेरे पास में आया, तो ये 1000 इंटू सॉल्व करते हैं, 110/100 × 110/100 प्लस 1000 × 110/100 सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, प्लस 1000, ठीक है? तो अब देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दूंगा अभी, पहले तो कंसेप्ट तो समझिए पहले आप। तो यहाँ पे 1210 रुपये प्लस 1100 प्लस 1000, कुल मिला के 1000, 2000, 3000, ठीक है बच्चे? 3000 तो ये हो गए, प्लस में 100, 200, 310, क्लियर है बच्चे? तो कुल मिलाकर के कितने पैसे आपको देने हैं मुझे? 3310 रुपये लौटाऊंगा, आपने मुझे 1000 रुपये करके दिए हैं 3 बारी में, तो 3000 रुपये तो आपके जमा ही हो गए थे, 310 रुपये पे आपको ब्याज मिल गया, क्लियर है बच्चे? इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ अमाउंट, आर हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अगर आप कोई पैसा लाइक आरडी में या कहीं पर भी आप रख रहे हो एक इक्वल इंटरवल पे और इस रेट से, तो एक टाइम के बाद जाकर के वो पैसा आपको कितना रिटर्न देगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई आपको समझ में? आगे अगर आ गई तो दूसरे मेथड लेके चलें भाई, चलते हैं इस पे। सेम चीज को मैं फॉर्मूले के थ्रू कवर करवा रहा हूं। एन्युटी का मतलब समझ में आया बच्चे? क्या होता है एन्युटी का मतलब? एक इक्वल इंटरवल में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम पीरियड का, तो वो पैसा आपका कितना हो जाएगा, और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हर पैसा एक डिफरेंट टाइम के लिए बैंक के पास में रखा गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या, अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो इसका फॉर्मूला आपके पास होंगे, सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू आर ब्रैकेट
वन प्लस, वन प्लस आई, आई मीन्स वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, पावर एन जितनी बार लगेगा, माइनस वन अपॉन आई दिस वन, एंड एस इक्वल्स टू रेट ऑफ आप जो इक्वल इंस्टॉलमेंट जो डिपॉजिट कर रहे हो आप आर 1000, वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 रेज टू पावर 3 एंड माइनस 1 अपॉन 0.10, एस इक्वल्स टू 1000 अमाउंट 1.1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.10, एस इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 3 ने पावर ठीक है 1.331 माइनस 1 अपॉन 0.10 एंड आगे सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या आया एस इक्वल्स टू 1000 और इंटू 0.331 अपॉन 0.1 एंड एस इक्वल्स टू क्या आ गया इंटू 1000 इंटू 0.331 डिवाइडेड बाय 0.1 3310 क्लियर है इससे भी यही आया फॉर्मूले से भी यही आया तो उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप समझ में आया आपको बच्चे अब आपको एनटी का मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन पे आते हैं हम देखो एनटी के टाइप्स पहले समझिए टाइप्स ऑफ एनटी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एनटी के अंदर एक ऑर्डिनरी एनटी होता है एक एनटी ड्यू होता है और एक एनटी सर्टेन होता है तीन टाइप्स की एनटी होती है तीनों टाइप्स की एनटी पढ़ेंगे लेकिन तीनों टाइप्स की बात मैं आज नहीं करूंगा जो आज पढ़ा रहा हूं उसी की बात करूंगा ऑर्डिनरी एनटी जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया है जो मैंने आपको बताया ये ऑर्डिनरी एनुटी है इसको हम इमीडिएट एनुटी भी कहते हैं चाहे आप ऑर्डिनरी एनुटी बोल दो चाहे इसको आप इमीडिएट एनुटी बोल दो बात एक ही है क्लियर है बच्चे इसमें क्या खास बात इसके वजह से इसको हम ऑर्डिनरी और आपको इमीडिएट एनुटी कहते हैं इसमें जो आप डिपॉजिट करते हो बच्चे वो एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल मतलब कि जैसे लाइक एक ये भी होता है कि बच्चे पैसा आप जो स्टार्टिंग में ही डिपॉजिट कर देते हैं टाइम के तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया स्टार्टिंग में अगर मैं रख देता ना 24 के स्टार्टिंग में तो 24 पे ही ब्याज होता 25 पे 26 तीन साल का ब्याज मिलता है इस पे फिर मुझे दो साल का ब्याज मिलता है स्टार्टिंग में रखता तो ये साल भी नेक्स्ट ईयर भी इस पे मुझे फिर एक साल का ब्याज मिलता वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जो स्टार्टिंग में रखते हैं जो स्टार्टिंग में ही अगर आपको पैसा आप डिपॉजिट करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या मंथ उसमें उसको हम एनुटी ड्यू कहते हैं क्लियर है बच्चे मैं अभी नहीं पढ़ा रहा मैं एनुटी ऑर्डिनरी एनुटी बता रहा हूँ इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर हम पैसा रखते हैं तो एन ऑर्डिनरी एनुटी इमीडिएट एनुटी इज एन एनुटी द फर्स्ट पेमेंट ऑफ द विच इज मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट इंटरवल जो फर्स्ट पेमेंट इंटरवल है उसके एंड में रखते हैं क्लियर है बच्चे और ये एनुटी ड्यू में हम बिगिनिंग में रखते हैं तो एनुटी ड्यू बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया उसके बाद में करूंगा मैं पहले आपको ऑर्डिनरी इमीडिएट एनुटी की बात कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर्मूला समझ में आ गया है समझाया जा चुका है क्वेश्चन चलिए प्रभु आपकी बारी है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है फाइंड द अमाउंट ऑफ द एनुटी 500 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर हर साल के आखिरी में भैया 500 रुपये मैं जमा कर देता हूँ ईच ईयर फॉर 12 ईयर्स 12 साल के लिए पैसा जमा कराया मैंने ऐसा मैं क्या करता हूँ हर साल के आखिर में जाता हूँ 500 रुपये जमा कर देता हूँ 12 साल तक सिलसिला चलेगा इफ द मनी इज अ वर्थ 6% इफेक्टिव और हर साल 6% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मेरा ग्रोथ करेगा तो आपको सम ऑफ अमाउंट बताना है तो बताओ जरा माधवी शर्मा हेलो हाँ जी बच्चे जो भी है क्वारी अभी मेरा नंबर लॉग इन नहीं है आपके डाउट्स पे आज या कल हो जाएगा तो मैं आपके डाउट्स ले पाऊंगा फिलहाल आप कमेंट में कोई है अर्जेंट चाहिए तो कमेंट कर करके आप बात कर सकते हैं लाइव क्लासेस होती ही इसलिए हैं बच्चे देखो बच्चे फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो डिपॉजिट आप कर रहे हो एक इक्वल इंटरवल पे जो एवरी ईयर के एंड में
वो 500 रुपीज़ कर रहे हो, पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। और आपके पास में एंड ऑफ द ईच ईयर एन यहाँ पर आपके पास में 12 है। इफ़ द मनी इज वर्थ 6% तो आप आई कैलकुलेट करोगे तो 0.06 आ गया। अब यहाँ पर आपके सम ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू आर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस 1। बेसिकली बच्चे ये क्या होता है, 1 प्लस आई रेस टू पावर एन बेसिकली अमाउंट होता है, अमाउंट माइनस 1 बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अमाउंट माइनस 1 मतलब प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वन टाइम इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वन टाइम इंटरेस्ट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू विल पे इंटरेस्ट। जितने टाइम्स पे करोगे आपका प्रिंसिपल उतना ही टाइम्स हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट उसका ये कहता है। एस इक्वल्स टू आर, आर के आपके पास में 500 रुपीज़ है, 1 प्लस आई 0.06 रेज टू पावर एन 12 माइनस 1 अपॉन 0.06 एस इक्वल्स टू 500 रुपीस। सॉल्व करते हैं, 1.06 रेज टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.06 आगे आप सॉल्व करेंगे तो S इक्वल्स टू 500 रुपीस, और यहां पे सॉल्व करेंगे 1.06 रेज टू पावर 2 1.06 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है क्या आ गया 1.1236 माइनस 1 अपॉन 0.06 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 एंड एस इक्वल्स टू 500 इंटू 2.0 ओहो 12 है ना, मैंने गलती होगी भाई साहब माफ़ कीजिएगा, आप कमेंट भी कर रहे होंगे जाहिर सी बात है, कमेंट भी नहीं कर रहे हो आप हैं, गड़बड़ कहाँ करी हमने पता है आपको। पावर एस इक्वल्स टू 500 अपॉन 1.06 की पावर 12 1.06 इंटू पावर 12 तो 11 टाइम इसको प्रेस करेंगे ना, इक्वल मल्टीप्लाई एंड इक्वल, और यहाँ पे आपको 13 लिखा हुआ आ जाएगा बच्चे कैलकुलेटर पे, तो कितना है आपका दिस वन टू पॉइंट दिस, इसमें क्या करो 2.0121 माइनस 1 अपॉन 0.06 एंड एस इक्वल्स टू 500 1.0121 अपॉन 0.06 तो आपका ये आया एस इक्वल्स टू 500 इंटू 16.8699 एंड एस इक्वल्स टू, तो ये पैसा आपका कितना बन गया 8434.97 या फिर आप इसको बोल सकते हो 35 पॉइंट के बाद है ना, तो इसको आगे ले लो तो एस इक्वल्स टू 8435 भी बोल सकते हो, तो भैया आपका पैसा इतना बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको ये, तो बच्चे आपको कमेंट करना चाहिए था ना, इसको कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ, हमें बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट ऑफ रेट 600 रुपीज एट द एंड ऑफ द एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के आखिर में ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हो आप, क्वार्टरली है, फॉर अ 3 ईयर्स ऐसा 3 साल तक कर रहे हो आप, तो एन का मतलब ये होता है कि कितनी बारी डिपॉजिट हुआ है आपके द्वारा, उसको एन बोलते हैं, और एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्लियर है बच्चे,
8% आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली। आप चलो इसको सॉल्व करो, देखो एक बात और समझिए इसको लिखते कैसे हैं। कई बार आपके टर्म्स हैं ना 10 ईयर में और बुक्स में डिफरेंट नज़र आते हैं तो फिर आप पैनिक हो जाओगे। मैं लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं एस इक्वल्स टू आर एस दिस वन। ये एस सम ऑफ अमाउंट, आर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और ये एस बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर एन आई ठीक है, एन मतलब कितनी बारी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट होगा और आई मतलब कि क्या आप डेसिमल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है एस और ये आपका जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं और ये क्या आपके पास में एस, जो ये देख रहे हो ना आप, जो ये रिजल्ट आया था सॉल्व करके दिस वन, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो ये रिजल्ट है, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा 500 × 1.0121 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये मेरा कितना आया 16.86833। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये क्या रहेगा मेरा 16.8683। अगर हम इसको बात करते हैं इसी को 16.8683 को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं एस एन और आई। यहाँ पर एस एन मतलब कितनी बारी जा रहा है, 12 बार, और किस रेट से जा रहा है 0.06 से। इक्वल्स टू क्या आया 16.8683, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला काम होता है इसी को। तो मैं कैसे लिखते हैं इसको, क्लियर है बच्चे, तो बार बार नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए, आप समझ जाना इसको कि क्या है ये। बुक के अंदर ऐसे टर्म्स होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ द 600 रुपीज आर इक्वल्स टू क्या है 600 रुपीज है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। ठीक है भैया, ऑर्डिनरी एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी है, और द एवरी थ्री मंथ्स इक्वल क्या है एवरी थ्री मंथ्स है, एन निकालेंगे। क्लियर, एन से पहले आपको एम निकालना पड़ेगा। एम कैसे निकलता है बच्चे, एम इक्वल्स टू क्या होता है 12 डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल होता है मंथली अगर, तो एम इक्वल्स टू 4 और एन इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू टी। समझ में आया ना, कंपाउंड से बताया था मैंने आपको, एम मतलब कि एक साल में कितनी बार ब्याज देंगे, कितनी बारी एम, 4 बार देंगे क्योंकि हर 3 महीने में दे रहे हो, जमा करवा रहे हो, तो एक साल में 4 बार जमा करवाओगे। तो कैसे निकलता है ये 12 ऑलवेज फिक्स है डिवाइडेड बाय जितने इंटरवल में आप दे रहे हो, तो 4, और आपका एन कैसे निकलता है एम इंटू टी, क्योंकि कितने साल के लिए, एक बार में तो 4 बार जमा करवा रहे हो, एक साल में कितने साल के लिए पैसा है, ये पैसा आपका 3 साल के लिए है, तो 3 साल में कितनी बार जमा करवाओगे 12, ये एन हो गया। एंड आई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, आई इक्वल्स टू आपके पास में तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही होता है, यहाँ पर आई क्या यूज़ करोगे आप, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसका, आई इक्वल्स टू क्या यूज़ करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास में 0.08 और डिवाइडेड बाय एम, जब भी एम फैक्टर आएगा एक साल के बीच में पैसा जमा करोगे डिवाइडेड बाय एम, तो 0.08 अपॉन में 4, तो 0.02 दिस वन। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस इक्वल्स टू सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू आर एस एन आई, यही होगा, क्लियर है, जहाँ पर आपके पास में आर
एस और एन कितना है 12 और आई क्या है 0.02। समझ में आए बच्चे? तो सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू आर, आर क्या आपके पास में, आर आपके पास में 600 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस आई 0.02 रेस टू पावर एन, एन क्या है मेरे पास में 12 माइनस 1 और अपॉन में 0.02। ठीक है बच्चे, सॉल्व करते हैं इसको। एस इक्वल्स टू 600 ब्रैकेट 1, सॉल्व करते हैं, मैं कैलकुलेटर जिंदाबाद है, आपको कैलकुलेट नहीं करना ना, इनटू 12 है जब तक, यहाँ 13 इक्वल प्रेस करते रहो, तो कितना है आपके पास में 1.2682 माइनस 1 अपॉन 0.02 दिस वन, एस इक्वल्स टू 600 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 0.02, तो क्या है आपका 13.4120 इंटू 600, तो एस इक्वल्स टू क्या आया आपके पास में 8447.25। अब समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे नए हैं लाइव क्लास में जाके वीडियो मत देखा करो, कंटेंट में जाके देखा करो, क्योंकि पीडीएफ आपको कंटेंट में अवेलेबल होता है और जितना पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ उसका लगा रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी इफ द पेबल ऑफ द 200 रुपीज मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। तो आपके पास में ऑर्डिनरी एन्युटी है, एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर मंथ के एवरी फॉर द 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ द 15% कंपाउंडेड मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी गिवन होता है, ये सालाना ही दिया होता है। ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन करो। अच्छा नहीं बच्चे, वो तो इसने ये नहीं बोला कि 8% हर मंथ में चार्ज है, ये नहीं कहा। कंपाउंडेड ये अलग लाइन है कि जो हम पे कर रहे हैं वो जो है क्वार्टरली पे कर रहे हैं, ये एक अलग लाइन है। कंपाउंडेड मंथली मतलब कि जो पैसा जा रहा है वो मंथली जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज एनुअल ही गिवन होता है। कर लोगे इसको? करो। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज द पेबल ऑफ द रेट 200 रुपीज, तो आपके पास में एस इक्वल्स टू क्या है? ठीक है, इफ मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एन से पहले एम निकालेंगे, एम कैसे निकलेगा 12 डिवाइडेड बाय कितने में, एक में 12, एंड एन इक्वल्स टू एम इंटू टी एंड 12 इंटू 3 तो 36 हो गया, एंड आई इक्वल्स टू ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअल होता है, ये बता रहा है कि मंथली चार्जेबल है, तो मंथली चार्जेबल के लिए आपके पास में क्या करेंगे दिस वन, कितनी बार डिवाइडेड बाय एम 15, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 15% है। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय एम कितना है मेरा, एम 12 है, तो आई इक्वल्स टू 15 बाय 12। आवाज आ रही है? 1.25, एंड एस इक्वल्स टू आर एस एन आई। ठीक है बच्चे, जहाँ पर आपके लिए एस इक्वल्स टू आर, आर क्या यूज़ करेंगे हम, आर हम यूज़ करेंगे क्या है हमारे 200 रुपये जो डिपॉजिट हो रहा है हर बार इक्वली। क्लियर है बच्चे? एस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एन क्या यूज़ करेंगे 36, और आई क्या यूज़ करेंगे 1.25।
25. बुक में ऐसे टर्म्स लिखे रहते हैं, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जब कभी बुक पढ़ो या कुछ और पढ़ो तो आपको लगेगा ये क्या दिया हुआ है, तो समझ पाओ. ब्रैकेट 1 प्लस आपके पास में तो 12.8 परसेंटेज में है, तो ये तो हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 1. I इक्वल्स टू 0.0125 है, 0.0125 है, 0.0125 है. क्लियर है बच्चे? थोड़ा मैं अपॉन I 0.0125 रेस टू पावर 36 माइनस 1 दिस 1. क्लियर है? एंड S इक्वल्स टू 200 1.0125 इंटू एंड इक्वल्स टू 36 है तो 35 तक प्रेस करना है, वो गिनो मत, 37 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे आपके कैलकुलेटर पे. तो आपका 1.5639 माइनस 1 अपॉन 0.0125 दिस 1 एंड S इक्वल्स टू 200 0.5639 अपॉन 0.0125 एंड आपके पास में S इक्वल्स टू 200 तो ये आपके पास में आ जाएगा 45.1155 एंड S इक्वल्स टू 200 इंटू कर दो 200 से सीधा 9023.10. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? तो आपको यहां पर अब एन्यूटी के क्वेश्चंस समझ में आ गए. एक क्वेश्चन ये रह गया, दो क्वेश्चन रह गए बस. तो नेक्स्ट क्लास में, तो अभी मेरी अगली क्लास का टाइम भी ऐसे लग गया एकदम से. मैं हिंट दे देता हूँ, एक्स डिपॉजिट इन हिज द सन्स अकाउंट 500 पे. चलो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्लास में दो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको और उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज दे दूंगा, ये आपको सेल्फ करना है. ठीक है बच्चे? ये एक्सरसाइज है इसका जो पढ़ाया मैंने, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में भी कल मैं मॉर्निंग में कर लूँ आपके साथ में ऐसा, तो टाइम लगा लेंगे, एक इसको कवर कर लेंगे. दो क्वेश्चन रह गए, अगली क्लास का टाइम भी हो गया.